अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान रेलवेज़ के मुसाफरों के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान रेलवे ने इस ईद उल फितर के मौके पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया है। 2 स्पेशल ट्रेनें कराची से निकलेंगी, एक पिशावर के लिए और एक लाहौर के लिए। एक ट्रेन क्वेटा से निकलेगी रावलपिंडी के लिए, जबकि जो चौथी ट्रेन है वो वापसी के लिए होगी, जो लाहौर से कराची के लिए निकलेगी। आइए इन ट्रेनों का शेड्यूल देखते हैं। 7 अप्रैल 2024 शाम 6 बजे कराची से पहली ईद स्पेशल ट्रेन 17 कोचेस पर मुश्तमल होगी, जो रवाना होगी, जिसमें 1110 मुसाफरों के बैठने की गुंजाइश है। और इस ट्रेन के जो स्टॉप होंगे वो ये होंगे: कराची कैंट, लांडी, हैदराबाद, टंडो आदम, नवाबशाह, रोहड़ी, खानपुर, बहावलपुर, मुल्तान कैंट, खानेवाल, शोरकोट कैंट, टोबा टैक्सिंग, गोजरा, फैसलाबाद, सांगला हिल, हाफिजाबाद, वजीराबाद, लाला मूसा, जहलम, रावलपिंडी, टेक्सला कैंट, अटक सिटी, नौशेरा और फिर पिशावर सिटी से होते हुए 9 अप्रैल 2024 को रात 1:15 बजे पिशावर कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। कराची से निकलने वाली दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 8 अप्रैल को लाहौर रवाना होगी। ये ट्रेन रात 9 बजे रवाना होगी, जो कराची कैंट, लांडी, हैदराबाद, टंडो आदम, नवाबशाह, रोहड़ी, सादकाबाद, रहीम यार खान, खानपुर, बहावलपुर, मुल्तान कैंट, खानेवाल, मियाँ चन्नू, चीचावतनी, साहिवाल, ओकाड़ा, पत्तोकी, रायवेंड, कोट लखपत से होते हुए 9 अप्रैल 2024 को शाम 5:55 पर लाहौर पहुंचेगी। ये ईद स्पेशल ट्रेन 18 कोचेस पर मुश्तमिल होगी और इसमें 1220 मुसाफरों के बैठने की गुंजाइश होगी। इसके अलावा इसमें 2 बिजनेस और 2 एसी स्टैंडर्ड क्लासेस की कोचेस भी लगाई जाएंगी। जबकि 7 अप्रैल को क्वेटा से रावलपिंडी के लिए एक ईद स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। ये ट्रेन क्वेटा से बरास्ता मुल्तान, साहिवाल, रावलपिंडी पहुंचेगी। ईद उल फितर के मौके पर चलने वाली चौथी स्पेशल ट्रेन 19 अप्रैल को शाम 5 बजे लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी। ये हुस्सी ट्रेन लाहौर से चलकर बरास्ता साहिवाल, मुल्तान, कराची पहुंचेगी। तो दोस्तों, ये तफसीलात और शेड्यूल था 4 स्पेशल ट्रेनों का, जो पाकिस्तान रेलवे ने ईद उल फितर के मौके पर चलाने का फ़ैसला किया है। क्योंकि पाकिस्तान रेलवे ने यह फ़ैसला इसलिए किया है कि रश काफ़ी बढ़ जाता है, ख़ासकर ईद के मौक़ों पर। इस वक्त तो रश बहुत कम है, लोग रोज़े रख रहे हैं, काफ़ी लोग घरों में मौजूद हैं, सफ़र कम लोग कर रहे हैं, इसलिए अभी तो कुछ ट्रेनें मुअत्तल हैं। तो दोस्तों, ये कुछ तफसीलात थी जो मैंने आपके लिए पेश कर दी। पाकिस्तान रेलवे के हवाले से जो भी अच्छी खबर होगी, इंशाल्लाह जो भी तफसीलात या कोई भी अपडेट होगी तो आपके लिए पेश करते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।